हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है दो बाइक्स का, जो कि होंडा के हैं। एक है SP160 न्यू मॉडल और यहां पर है होंडा हॉर्नेट 2.0 BS7 मॉडल। दोनों BS7 मॉडल हैं, दोनों 2024 मॉडल हैं। दोनों का डिटेल में कंपैरिजन होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो सबसे पहले न्यू बाइक से स्टार्ट करेंगे, जो कि है होंडा SP160। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं कंप्यूटर डिज़ाइन के साथ, एज़ कम्पेयर टू होंडा हॉर्नेट। यहाँ पर आपको थोड़ी कंप्यूटर लगेगी SP160। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलेगा, बड़ा सा आपको हेडलाइट मिलेगा, विंडशील्ड मिलेगी, होंडा की बैजिंग और बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है। यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप और मस्कुलर सा टैंक मिलता है। इसका टैंक आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्कुलर है और इसके ऊपर स्टिकर्स भी आते हैं। साथ ही साथ टैंक कैप कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, E20 की बैजिंग मिलती है और यहाँ पर श्राउड्स निकलते हैं इसके, ब्लैक कलर भी है। यहाँ पर होंडा की बैजिंग श्राउड्स के ऊपर आती है। कार्ड्स एंड क्रीसेस बहुत ज़्यादा आते हैं इस बाइक के ऊपर और आपको होंडा SP160 बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन अगर अपन हॉर्नेट के सामने देखें तो हॉर्नेट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टीनेस। और बात करें इसकी सीट की, तो सिंगल पीस सीट है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी मिलती है आपको, कंफर्टेबल है। यहाँ पर SP की बैजिंग मिलती है और 160 की बैजिंग यहाँ आती है। साइड से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है इसका पैनल। कट्स एंड क्रीसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर स्टिकर्स मिलते हैं आपको। रियर प्रोफाइल में M शेप की LED टेल लाइट मिल जाती है आपको इसके ऊपर। ग्रैब हैंडल है, प्रॉपर मडगार्ड है और मोटा सा टायर है रियर में। साइड प्रोफाइल बताता हूँ आपको दोनों बाइक की, दोनों की नहीं उसकी बताऊँगा। साइड से कुछ ऐसी लगती है होंडा SP160, जो कि 160 cc के हिसाब से अच्छी लगती है। कम्यूटर प्लस स्पोर्टीनेस का कॉम्बिनेशन है। अब बात करें होंडा हॉर्नेट 2.0 की, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पोर्टी बाइक्स मिलती है होंडा हॉर्नेट 2.0, जो कि नेकेड स्पोर्ट स्टाइल में है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है कुछ ऐसे डिज़ाइन में, इंडिकेटर्स मिलते हैं, अपसाइड डाउन फोक होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके डिज़ाइन को। बॉडी कलर्ड मडगार्ड है, साथ ही साथ ब्लैक कलर भी इसके अंदर प्लस आता है। नीचे आपको बेली पैन मिलता है बॉडी कलर्ड, और यहाँ पर भी बॉडी कलर्ड बेली पैन मिलता है SP160 में। तो यहाँ पर आपको ये सब सिमिलैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ इसका टैंक ज़्यादा मस्कुलर लगता है SP160 के सामने। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आता है होंडा हॉर्नेट 2.0 का टैंक, मस्कुलर है, श्रॉड्स निकलते हैं और यहाँ पर होंडा की 3D में एम्बलम, यहाँ पर हॉर्नेट की बैजिंग, यहाँ पर 2.0 की बैजिंग मिल जाती है आपको। तो ये सब देखने को मिलता है हॉर्नेट का डिज़ाइन टैंक के ऊपर। और स्प्लिट सीट सेटअप है जो कि बहुत बढ़िया लगता है। और रियर में कलर कुछ अलग आता है इसका, ग्रे कलर की हो जाती है हॉर्नेट और यहाँ पर रेड एंड येलो फिनिश में मिलते हैं स्टिकर्स। रियर में आपको एक्स शेप की टेल लाइट मिल जाती है हॉर्नेट 2.0 की, जो कि अच्छी लगती है। और रियर में प्रॉपर मडगार्ड आता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मोटा टायर मिलता है हॉर्नेट 2.0 का और बहुत बड़ी और बल्की लगती है होंडा हॉर्नेट 2.0। साइड प्रोफाइल बताऊँ हॉर्नेट की, तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी साइड प्रोफाइल हॉर्नेट 2.0 की एज़ कम्पेयर टू SP160। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है आपको हॉर्नेट 2.0 का। बाकी आपको डिज़ाइन में कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनली देखो तो मेरे को हॉर्नेट 2.0 ज़्यादा पसंद आती है SP160 के सामने। ज़्यादा पैसे हैं तो डिज़ाइन भी अच्छा मिलेगा ना। अब चलेंगे सीधा मीटर की तरफ। तो सबसे पहले न्यू बाइक की तरफ ही आएंगे अपन। SP160 में मिलता है आपको फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको इजी टू रीड मिलता है इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिलता है, क्लॉक मिलती है, एवरेज बताता है, लाइव माइलेज बताता है, सेट और सिलेक्ट का बटन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिलता है आपको। ट्रिप 1 ट्रिप 2 मतलब ट्रिप A ट्रिप B भी बोल सकते हैं आप, और एवरेज। और यहाँ सेलेक्ट करेंगे माइलेज बताता है इसके अंदर और क्या आता है एवरेज। सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिलते हैं। फ्यूल गेज यहाँ आता है, ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट इंडिकेटर मिलता है आपको। और ये इंडिकेटर डालेंगे तो ऐसा कुछ आता है, लो बीम हाई बीम लाइट मिल जाती है आपको, मतलब इंडिकेशन इसके अंदर। सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ ही साथ आपको क्लॉक मिलती है। यहाँ पर क्या है, मोबाइल कनेक्शन की कमी है, बाकी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे इसके मीटर में। बटन्स में आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच मिलता है, इसके नीचे पार्किंग लाइट के लिए बटन मिलता है। पार्किंग लाइट मतलब हैजर्ड लाइट, चारों इंडिकेटर एक टाइम पे वर्क करते हैं। और उसके नीचे आपको बटन मिलता है सेल्फ स्टार्टर का। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिलता है, इसके नीचे लो बीम हाई बीम, इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न आता है। और रियर व्यू मिरर आपको होंडा शाइन जैसे मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल हैं। अब इसके कॉकपिट को छोड़ो, अब सीधा चलेंगे हॉर्नेट की तरफ। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, लाइव माइलेज और न्यूट्रल लाइट, साइड स्टेन इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, ABS इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे बटन्स के साथ। यहाँ पर भी आपको मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी मिलेगी, बाकी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलता इसके अंदर। और इसका जो लॉक है टैंक माउंटेड है। और यहाँ पर बटन सेम मिलते हैं, इंजन किल स्विच, इसके नीचे हैजर्ड लाइट मतलब पार्किंग लाइट, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर। लेफ्ट साइड में भी आपको सेम बटन, पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, ये इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न।
इसका हॉर्न भी उसके जैसा सेम है और रियर व्यू मिरर भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो सेम रियर व्यू मिरर इंस्टॉल होते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 में। यहाँ पर क्या है, दोनों का मीटर सेम है, मतलब सिर्फ डिजाइन का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, बाकी फीचर्स सेम मिलते हैं दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। अब फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में सीधा इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में आ जाएंगे। दोनों बाइक के अंदर आपको LED हेडलाइट मिलती है, दोनों बाइक के अंदर आपको LED टेललाइट मिलती है, लेकिन इंडिकेटर LED आपको सिर्फ होंडा हॉर्नेट 2.0 में मिलेंगे। होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, हेडलाइट, टेललाइट, इंडिकेटर्स, तो ये बढ़िया रहता है। यहाँ पर क्या है, सब LED दिया लेकिन यहाँ पर हैलोजन वाले इंडिकेटर्स आ गए, इंडिकेटर्स इसके अंदर LED नहीं आने की वजह से थोड़ा पीछे रहती है ये एज़ कम्पेयर टू होंडा हॉर्नेट 2.0। बाकी दोनों बाइक का हेडलाइट जो है अच्छा इल्यूमिनेशन और अच्छे लाइट के साथ आता है और दोनों की टेललाइट भी LED है, तो यहाँ पर आपको स्पोर्टीनेस का भरपूर मज़ा मिलेगा। तो ये सब देखने को मिलता आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में, जो कि बढ़िया रहेगी होंडा हॉर्नेट 2.0 क्योंकि LED इंडिकेटर्स कंपनी ने दे दिए हैं। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो SP160 में फ्रंट में नॉर्मल से टेलीस्कोपिक फोक आते हैं और रियर की बात करें तो रियर में मोनोशॉक मिलता है 7x एडजस्टेबिलिटी वाला, यूनिकॉर्न वाला मोनोशॉक है। अब बात करें हॉर्नेट के सस्पेंशन सेटअप की, तो यहाँ पर बढ़िया सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं गोल्डन कलर में, जो कि शोवा ब्रांड के हैं, अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छा आपको कंफर्ट लेवल भी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू SP160। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में मिलता है आपको सेम मोनोशॉक मिलता है 7x एडजस्टेबिलिटी वाला। तो सस्पेंशन सेटअप क्या है, हॉर्नेट 2.0 का बढ़िया आता है SP160 के सामने। ज़्यादा पैसे देंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो ये सब रहता है यहाँ पर। अब बात करें ब्रेक्स की, तो इसके अंदर क्या है, डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS आता है और सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS है। यह मॉडल तो सिंगल डिस्क है, फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा 276mm का विद ABS, सिंगल चैनल ABS मतलब सामने के टायर पर ही ABS आता है। और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है इसके अंदर, डुअल डिस्क मॉडल लेंगे तो आपको डुअल डिस्क मिलेगा, मतलब पीछे भी डिस्क मिलेगा। और इसकी बात करें तो इधर भी आपको सेम ब्रेक्स मिलते हैं, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS 276mm का सेम डिस्क और निसिन कैलिपर और यहाँ पर सिंगल चैनल ABS। और रियर में आपको मिलता है 220mm का डिस्क। दोनों बाइक का जो है ब्रेक्स सेम आते हैं, लेकिन थोड़ा इसका ब्रेकिंग बाइट ज़्यादा आता है क्योंकि होंडा ने थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की है, कुछ ना कुछ किया है, तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स इसके बढ़िया मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू SP160। हालांकि ऑन पेपर दोनों के जो ब्रेक्स हैं सेम आते हैं, लेकिन अगर अपन परफॉर्मेंस चेक करें तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस बाइक की बढ़िया आती है SP160 के सामने। अब बात करें टायर्स की, तो इसके अंदर आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है और रियर टायर मिलता है आपको 130/70/17, मतलब 130 सेक्शन का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील, तो यहाँ पर अच्छा रियर का मोटर टायर मिलता है, लेकिन फ्रंट में 80 सेक्शन टायर। अब बात करें हॉर्नेट के टायर्स की, तो यहाँ मिलता है आपको फ्रंट में 110 सेक्शन का मोटा टायर 17 इंच का अलॉय व्हील, तो यहाँ पर फ्रंट टायर इसका मोटा आता है SP160 के सामने। और रियर में 140 सेक्शन का टायर, मतलब यहाँ पर भी मोटा टायर मिलेगा, रियर में भी मोटा टायर आता है हॉर्नेट 2.0 का एज़ कम्पेयर टू SP160। 140/70/R17 17 इंच का अलॉय व्हील, तो यहाँ पर आपको स्पोर्टीनेस मिलती है टायर्स की वजह से और ग्रिप अच्छी मिलेगी, कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ भी आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 की बढ़िया मिलेगी SP160 के सामने। अब सीधा चलते हैं इंजन की तरफ, तो SP160 में मिलता है आपको 163cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन और मैक्स पावर मिलती है 13.5 PS की और मैक्स टॉर्क मिलता है 14.6 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। OBD2 सेंसर है और साथ ही साथ E20 पेट्रोल ये सपोर्ट करता है। अब बात करें होंडा हॉर्नेट 2.0 के इंजन की, तो यहाँ मिलता है आपको 184.4cc बड़ा इंजन, 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, OBD2 सेंसर मिलेगा, E20 पेट्रोल आ सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा आपको। और इसके अंदर आपको मैक्स पावर देखने मिलती है बाइक में, जो कि है लगभग 17.29 PS की 8500 RPM पर और मैक्स टॉर्क मिलता है 15.9 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर स्लीपर क्लच आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, CC ज़्यादा मिलेगा, पावर आपको 17.3 PS की मिलेगी और यहाँ पर 15.9 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, टॉर्क और पावर फिगर्स होंडा हॉर्नेट 2.0 में ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू SP160। और यहाँ पर CC भी कम रहने की वजह से पावर और टॉर्क कम निकालती है यह बाइक। दोनों बाइक के अंदर आपको 2-वाल्व इंजन ही मिलता है, तो आप वो मत समझो 4-वाल्व है 2-वाल्व है, तो यहाँ पर 2-वाल्व इंजन मिलेगा। इसके अंदर स्लीपर क्लच आने की वजह से इसका क्लच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है और हार्ड डाउनशिफ्ट आप कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर, जो कि SP160 में नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सब डिफरेंस मिलते हैं। अब माइलेज की बात करें, तो यहाँ पर माइलेज में आगे रहेगी SP160। यहाँ माइलेज मिलेगा आपको 40-50 का सिटी में और हाईवे पर मिलेगा 50-55 का, लेकिन यहाँ पर क्या है, 45-50 का ही माइलेज मिलेगा आपको।
सिटी हो या हाईवे, हाईवे पर 50 तक का मिलेगा और सिटी में 45 तक का, और 40 भी जा सकता है इसका माइलेज सिटी में। तो माइलेज क्या है, SP160 का बढ़िया रहता है एज़ कम्पेयर टू होंडा हॉर्नेट 2.0। इंजन स्मूथनेस की बात करें तो दोनों बाइक का इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है, कहीं पर भी वाइब्रेशंस नहीं आते। और दोनों में अगर अपन डिटेल में कंपेयर करें स्मूथनेस, तो आपको ज़्यादा स्मूथ इंजन हॉर्नेट का मिलेगा एज़ कम्पेयर टू होंडा SP160। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो वेट की बात करूँ तो यहाँ मिलता है 142 kg का कर्व वेट, 185 cc के हिसाब से परफेक्ट है। यहाँ मिलता है 139 kg का कर्व वेट, तो ये लाइटेस्ट बाइक है, दोनों में 3 kg का अंतर है। ये थोड़ी हल्की आती है हॉर्नेट 2.0 के सामने, यहाँ पर ये थोड़ी हेवी रहेगी SP160 के सामने। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों बाइक में आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, SP लो या फिर हॉर्नेट। तो यहाँ पर क्या है, माइलेज कम रहने की वजह से इसको थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज झेलना पड़ता है लॉन्ग रूट्स पर। तो दोनों में सेम टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो SP में मिलता है 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मेन स्टैंड, साइड स्टैंड और इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। तो अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस SP160 का, लेकिन हॉर्नेट में आपको 10 mm कम मिलता है। 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आता है। लेकिन क्या है, बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तो मेन स्टैंड को मार लगेगा होंडा हॉर्नेट 2.0 के, तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम रहता है। सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 769 mm की सीट हाइट मिलती है, जो कि 5 feet वाले बंदों के लिए भी आरामदायक है और कम हाइट वाले बंदे आराम से इसको राइड कर सकते हैं। यहाँ मिलती है आपको 795 mm की सीट हाइट, थोड़ी ज़्यादा है इसकी सीट हाइट, थोड़ी ज़्यादा सीट हाइट है इसकी 795 mm, मतलब एक 5 feet 3 inch 5 feet 4 inch वाले बंदे इसको राइड कर सकते हैं आराम से। उससे कम हाइट है तो थोड़ा मुश्किल होता है होंडा हॉर्नेट 2.0 राइड करना। सीट हाइट कुछ ऐसी आती है, आपने डायमेंशन चेक कर लिए होंगे, वेट भी आपको इसका थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और 185 cc के हिसाब से इसका वेट भी सही है और सीट भी अच्छी है। अब कंफर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलती है, क्योंकि सिंगल पीस सीट है और राइडर हो या पिलियन दोनों कंफर्टेबल रहते हैं इसके ऊपर, लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं। हॉर्नेट में क्या है, राइडर का सीट कम्फर्ट अच्छा है लेकिन पिलियन कम्फर्ट थोड़ा लैक करता है, क्योंकि थोड़ी छोटी सीट है। तो ये सब देखने को मिलेगा आपको, ये थोड़ी कमीटर रहने की वजह से इसको फ़ायदा मिल जाता है कंफर्ट लेवल का। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 172,000 rupees की प्राइस पर मिलती है ऑन रोड प्राइसिंग, और SP160 148,000 rupees की प्राइस पर मिलती है, जो कि सिंगल डिस्क वेरिएंट है जो अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो 148,000 और 172,000 प्राइस डिफरेंस आपको 23-24,000 rupees का देखने को मिलता है। अब 23-24,000 एक्स्ट्रा देने पर आपको क्या क्या अच्छा मिलेगा हॉर्नेट में, यहाँ पर अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे, बढ़िया से लुक मिलेंगे, तीसरी चीज़ ऑल LED सेटअप, मतलब इंडिकेटर भी LED मिलेगा आपको, और चौथी चीज़ ज़्यादा CC वाला इंजन, पाँचवीं चीज़ परफॉर्मेंस, छठी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी बढ़िया सा फुल डिजिटल मीटर, और छठी चीज़ देखने को मिलते हैं टायर्स, बढ़िया टायर मतलब, और दूसरी चीज़ भी ब्रेक्स भी आपको बढ़िया मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको प्लस पॉइंट में मिलेंगे होंडा हॉर्नेट 2.0 खरीदते हैं तब एक्स्ट्रा 23,000-24,000 देकर। और SP160 छोड़ कर लेते हैं तो ये सब फ़ायदे हैं। अब अगर आप ये लेना चाहते हैं हॉर्नेट छोड़कर, तो आपको इसमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, पहले तो आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, दूसरी चीज़ क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल ज़्यादा इजी टू रीड रहता है, देख सकते हैं बड़ा है इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ एकदम नई बाइक लगती है, मतलब आप सिटी में लेकर निकलेंगे तो SP160 आपको ज़्यादा दिखेगी नहीं, तो यूनिक लगेगी। साथ ही साथ आपको कम्यूटर प्लस स्पोर्टीनेस का मज़ा मिलेगा, कंफर्ट लेवल बढ़िया मिलेगा इसके अंदर, प्राइस थोड़ी कम देनी पड़ेगी तो पेट्रोल डाल के और ज़्यादा फिर सकते हैं आप, और स्मूथ इंजन मिलेगा, पावर डिलीवरी थोड़ी कम है, अगर आप थोड़ी पावर डिलीवरी कम भी चाहते हैं और ये बाइक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। SP160 भी बढ़िया रहती है 148,000 rupees के प्राइस पर। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP160 वर्सेस होंडा हॉर्नेट 2.0 BS7 2024 मॉडल का डिटेल कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।